और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर रोक लगा दी गई है। मेयर और एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया गया है। बैलेट पेपर और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। कल चुनाव के दौरान एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ था, हाथापाई तक हो गई थी और उसके बाद अब ये बड़ा आदेश दिल्ली हाईकोर्ट का। पीयूष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, क्या कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी इस मामले में नगर निगम के स्टैंडिंग काउंसिल के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है और उपराज्यपाल, मेयर और नगर निगम को इस मामले पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि वो बैलेट पेपर, सीसीटीवी और चुनाव से जुड़ी अन्य जो सामग्री है उसको संभाल कर रखें, ताकि इस मामले पर जो एग्जामिन करना है हाईकोर्ट को, जिसकी मांग की गई है, उस पर वो आगे की कार्रवाई कर सके। चूंकि बीजेपी की तरफ से जो वरिष्ठ वकील पेश हुए थे महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा था कि मेयर के पास चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट को सदन की सीसीटीवी और सभी बैलेट पेपर एग्जामिन करने चाहिए। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी और इसी के साथ जो अन्य आदेश थे यानी कि नोटिस जारी कर दिया और सीसीटीवी फुटेज तलब कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष ये जानकारी देने के लिए कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए था कि कोर्ट जो है इस बात को मानेगा कि मेयर जो है अगर इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करेगी तो कोर्ट भी उस इलेक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी कि क्लियर हो चुका 27 तारीख को ही चुनाव नहीं होगा। अब कोर्ट इस मामले को पूरा सुनेगा। हम भी चाहते हैं कि कोर्ट पूरा मामला सुने और अपना फैसला दे। जो भी फैसला होगा वो हमें मानना होगा।